चल एक्सप्रेसवे पर है, गाजीपुर के 12 चौर ब्लॉक के अंतर्गत यहाँ पे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। समाजवादी पार्टी और सुभाषवा के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। इसी में ओम प्रकाश राजभर जी, सुहेल दो भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मंत्री जब थे तो पीआरए थे, हमारे साथ में हैं छोटे लाल राजभर जी, और गाजीपुर जनपद के महिला मंच के जिला अध्यक्ष हैं शीला राजभर जी, और हमारे स्वतंत्र पत्रकार हैं हमारे साथ में रविंदर राजभर जी, इनका एक चैनल है गरीबों की आवाज़, और हमारे साथ में है जखनिया के भावी विधानसभा प्रत्याशी, आपका शुभ नाम नंदलाल पहलवान, नंदलाल पहलवान जी ये हैं। इन सभी लोगों से आज हम जानेंगे कि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आज विजय रथ यात्रा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों लोगों का पखनपुरा से चल के गाजीपुर होते हुए आजमगढ़ लखनऊ के लिए इन लोगों की विजय रथ यात्रा जाएगी। इसी में हमारे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के महिला मंच के जिला अध्यक्ष है हमारे साथ सम्मानित छायाकार, चाहेंगे कि ये जो 4-6 लेंथ पे उमड़ा हुआ जनसैलाब है आप उन सभी लोगों को दिखाते रहिए। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं शीला राजभर हूँ और यहाँ पे हम लोग आए हैं अपने नेताजी के स्वागत के लिए, और ये जो 6 लेंस है इसकी ये स्वागत हो रही है, और इसी पे आ रहे हैं वो विजय रथ यात्रा में बैठे हैं, वो अभी पीछे से वहाँ से चल चुके हैं, जो अभी कुछ ही देर में यहाँ तक पहुँचेंगे, आप लोगों से मिलेंगे। आज की जो ये विजय रथ यात्रा दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकाले हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? विजय रथ यात्रा इसलिए निकाला गया है कि इसमें दिखाया जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो, लोग जो गरीबी से जूझ रहे हैं और वो जूझ रहे हैं वो उनसे निपटें, और इसके लिए जो हमारी गठबंधन हुई है इस पर जनता को विश्वास हो जाए कि ये जनता एक साथ होकर ये सत्ता का सत्ता ये जो है पलट सकती है, तभी जाके हमारा कुछ विकास हो सकता है। मंत्री जी के पीआरओ साहब से जानेंगे आज की जो ये विजय रथ यात्रा है आप क्या कहेंगे इस पर? हम लोग चाहते हैं कि 2022 में जो सरकार आने वाली है वह हम लोग की सरकार बन जाए, और यह भारतीय झूठ पार्टी है, इसकी सरकार को हम लोग नेस्ता नाबूद करने के लिए तैयार हो गए हैं। आज पूर्वांचल से इसकी शुरुआत हो चुकी है और गाजीपुर जिला से यहीं से संदेश जाएगा कि यहीं से खदेड़ा चालू हो गया है पूर्वांचल से ही। अच्छा, ये जो विजय रथ यात्रा है कल होने वाली थी 16 नवंबर को, इसका परमिशन नहीं दिया तो कल कैंसिल करके प्रोग्राम आज हुआ है, तो कल क्यों नहीं हुआ? कल प्रधानमंत्री जी आने वाले थे, इसलिए हम लोगों का कार्यक्रम कल था, इसलिए हम लोगों को कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ उधर चली जाएगी, हम लोग की भीड़ नहीं दिखाई देगी, इसलिए उन्होंने हम लोगों को कार्यक्रम कैंसिल करवा दिया। जखनिया जहां से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक की नींव रखी गई है वहीं के प्रत्याशी हैं, फिर से वापिस 2022 के प्रत्याशी हैं भावी, और आज जो ये उमड़ा हुआ जनसैलाब है आप अपने यहीं से जखनिया के लोगों को क्या कहेंगे? आज माननीय अखिलेश जी और बड़े भाई ओम प्रकाश जी की जो विजय रथ यात्रा निकली है उसको हम सफल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, और हम लोग ये भी ऐलान कर रहे हैं कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, और डर के मारे देखिए प्रोग्राम भी जगह जगह कैंसिल कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो इसलिए कह रहे हैं कि इस बार जो है 22 में इनका पता नहीं लगने दिया जाएगा पूर्वांचल में। 2022 में आपकी जो ये जखनिया में जाएंगे तो आपका क्या है मुद्दा लोगों तक? सर ऐसा है जखनिया में तो हमें देख रहा हूँ जो बहुत ही मतलब दिक्कत है, हम वो पूरे से पूरे सभी भाइयों को जो है गले से गले मिला के कंधे से कंधे मिला करके अच्छा से अच्छा काम कर हर एक भाई के जो है दुख तकलीफ में जुड़े रहेंगे, और हम एक कोशिश करूँगा कि हम एक ऐसा काम करूँ कि सारे लोग जखनिया के जो है चर्चा में आ जाएं कि भाई एक पहलवान जो है ऐसा काम किया। इसी में हमारे साथ तमाम युवा साथी भी बहुत काफ़ी जोश खरोश में, हमारे साथ माता जी हैं, थोड़े से भैया इधर चले जाइए। माता जी कब से आप यहाँ आई हैं? ढेर दिन से हे जाई। एजा कब कराइल बड़ू बतावा जा से बराई कब तो का उम्मीद जगा के आई हैं आप? हमने कहा ओम प्रकाश के आल बन जा ओम प्रकाश के हम बटरी ढेर दिन से घूमे ले जा, तो उनके आज यहाँ का उम्मीद लेके आइल बड़ू का उनसे कहबू यहाँ?
अगर बात हो जाए, अगर जब भेटा जाए तो का कहबू आप, का कहल दे वो बता दीजिए कि हम लोग मिलने आए हैं। क्या चीज़ हमारे बाबूजी से क्या कह रहे हैं आप? हम यही कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश जी, बस ऐसा बोलिए आप। हाँ, ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश भाई ये सबको समर्थन में कर दें। माता जी हाँ बताइए, उनसे अक्सर मिलने आए बन जाए ना। अच्छा चलिए ठीक है, हमारे साथ इसी तरह मैं लगातार इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का गाजीपुर तक का ही कवरेज करूंगा और आप सभी लोगों से फिर मिलते हैं इस वीडियो में।